किसान इसके नौकर हैं, ये इसके मालिक है किसानों का, कि ये जो कहेगा वही खाएगा। अरे तुम कतराज हो तो तुम दारू बंद करवाओ ना, तुम क्यों बेचवा रहे हो? तुम बेचवाओगे उसके बाद कहोगे कि किसान दारू पी रहे हैं, तो किसान की हालत वैसी कर दो। ले आओ दूध घी की नदियां, ले आओ यहाँ पर लाओ। कि ये देखिए, ये आपको मुर्गा है, ये मुर्गा है और ये दारू है। ये इनके बाप का देश है, इनके बाप का राज है कि ये कहेंगे कि ये पहनना है किसान वो पहनेंगे, और ये खाना है तो ये खाएंगे, और ये मजे मरा जो है मनाएंगे। यार तुम मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काते हो और मुसलमानों को अपना पहनोई और दामाद बनाते हो, ये काहे करते हो? मानव सभ्यता के इतिहास में जब पहली बार किसी जंगल में किसी मनुष्य ने झोपड़ी के आकार की कोई चीज बनाई होगी, तब काफी लोगों के मन में खिलखिली मुस्कान जागी होगी। लेकिन इन झोपड़ियों के पीछे अंदर जो रह रहे लोग वो खुश नहीं, बल्कि अपने अंदर एक घुट घुट करके जिंदगी जी रहे हैं। लगभग 9 महीने 1 साल होने वाला है इस पूरे आंदोलन को, लेकिन अभी भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने कोई भी इस चीज को लेकर के कभी भी कोई काम नहीं किया। एक बात बताइए जी, बीजेपी के काफी लोग मुझे ना ऐसे बयानबाजी सुनने को मिले हैं, अखबारों में पढ़ा है मैंने, कई जगह पे देखा है, बयान भी सुने उनके, वो कहते हैं किसान दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, तो क्या मतलब क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। किसान तो दाल चावल खाता है, रोटी खाता है, और किसान क्या खाता है? किसान अपनी फसल उगाता, खुद खाता है। किसान इतना मजबूर है, उसे टाइम पे दाल चावल नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, तुम कह रहे हो खाना मुर्गा और बोतल चल रही है। मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कहे जाओ, बीजेपी के लोग तो पांडे हो गए, पागल हो गए, उनके कहने से तुम मान लोगे क्या? यहाँ किसानों को ऐसे ऐसे भी हैं, जिस दिन ज्यादा भीड़ हो जा नहाने को पानी तलक नहीं मिलता, लैट्रिन में भी पानी नहीं होता, तो यहाँ मुर्गा बोतल कहाँ से खा लेंगे? तो 1 साल लगभग आपको होता जा रहा है इस पूरे 9 महीने हमें हो चुके हैं। 1 साल ही मान लो, अब 1 साल हो ही जाएगा। हाँ, तो कोई सरकार ने कुछ भी आपको थोड़ी बहुत भी कही हो? अभी सरकार की कान पे जू चली नहीं, सरकार के कान पे जू चल जाती तो हम लोग सड़क में नहीं पड़े थे। सर्दी पूरी कट गई, गर्मी पूरी कट गई, और अब फिर सर्दी दोबारा आने वाली है। कहाँ लो आदमी, कहाँ लो बर्दाश्त करेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे जी रहे हैं आप यहाँ पर सड़कों पर? आपने तो देखा ही, अब आपने देखा, तुमने खाना भी देखा हमारा, खाया तो दो ही दाल चावल है। मैं अंदर का नजारा दिखा सकता हूँ? हाँ, वो क्यों नहीं दिखाओ, आओ। ये तो एक सेकंड, वो आ रहे हैं, आओ। ये देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी बताती है कि मुर्गा वगैरह खाना, तो आप एक बार, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा दें, कि ये देखिए, ये आपको मुर्गा है, ये मुर्गा है और ये दारू है, दारू। हाँ, और ये अंदर भी ये मुर्गा है। आपको और अंदर दिखाएंगे कैसे मुर्गे कटे जाते हैं, वो भी दिखाते हैं, अब पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे इस चीज़ के बारे में। ये देखिए, हरी मिर्ची पड़ी है, ये देखिए, ये गंगा फल पड़ा, इधर देखिए, पूरे खाने की व्यवस्था लगातार यहाँ पर दिख रही है। और ये देखिए, ऐसे बनते हैं चावल। अच्छा, ये कौन से चावल है? ये नमक वाले चावल है, दाल कम, दाल कम लगे, नमक वाले चावल बनाए। अच्छा, हल्दी डाल के। कितने लोगों का खाना होगा ये? ऐसे 3 बार बन चुका है ये, कम से कम हम 50 आदमियों को खुआ चुके हैं, और 50 आदमियों को शाम तक और खुआऊंगे, क्यों 50 आए कल हमारे। संगत आती रहे जाती रहे, अपना भी काम करना पड़े, यहाँ भी रहना पड़े। भैया ये बताओ, और ऐसा है कि बीजेपी वालों ने कहा कि किसान मुर्गा और दारू पीते हैं, ये सुनकर जांच करने आए, तुम उनसे पूछते कि यार तुम मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काते हो और मुसलमानों को अपना बहनोई और दामाद बनाते हो, ये काहे करते हो? ये बताओ कि भाई दारू और मुर्गा, चलिए बाहर हम लोगों से तो पूछिए। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए, सवाल कीजिए, आइए। हाँ, तो अब बताइए। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये दारू और मुर्गा खाने का अधिकार बीजेपी वालों को ही है क्या?
किसान जो दिन रात मेहनत करता है क्या वो खा पी भी नहीं सकता है? ये इनके बाप का देश है, इनके बाप का राज है कि ये कहेंगे कि ये पहनना है किसान वो पहनेंगे, और ये खाना है तो ये खाएंगे, और ये मजे मरा जो है मनाएंगे। ये कारपोरेट का घुंघरू पहनकर पैरों में सड़कों पर नंगा नाच करेंगे, उस पर जो है इनको कुछ नहीं कहना है। इनको किसान के खाने और पहनने पर जो है, देश के जो है महिलाओं के पहनने पर, लड़कियों के पहनने पर इनके एतराज है, किसानों के खाने पर एतराज है, किसानों के रहने पर एतराज है, तो ये क्या है? अरे तुम अपना नाच बंद करो जो कारपोरेट का घुंघरू बांधकर नंगा नाच कर रहे हो, और ये उस लंगर को बदनाम कर रहे हैं कि लोग किसान वहाँ दारू और मीट खा रहे हैं। अरे भाई दारू तो दुकान से खरीद के ला रहे होंगे, मीट क्या ये लंगरों में खा रहे हैं? ये कितना बड़ा अपमान जो है इस लंगर का कर रहे हैं बीजेपी वाले, ठीक है ना? अब वो जो है जरा यहाँ आकर बोल के तो दे, ये बीजेपी वाली जो कह रहे हैं ना, ये जरा अपनी बात को सड़कों पर तो बोल के दिखा दे तो समझ में आएगा, छुप कर बोलते हैं, ठीक है ना? आज जो जो आक्रोश है जनता के अंदर ना, ये आक्रोश जो है ये 10 महीने से जो है ये धरने पर बैठे हुए हैं हम लोग, और आप बताइए हमसे क्या पूछना चाहते हैं बीजेपी वाले? बीजेपी वाले तो फंस गए हैं, बीजेपी वाले का हाल तो वही होगा, आप यह जान लीजिए। और ये संघ का जो आप देख रहे हैं ना अफगानिस्तान में जो है, ये जो अमेरिका के जो है दलाल थे अफगानी, वो तो भाग गए अमेरिका, और अमेरिका जाकर जो है साइकिल पर जो है घूम घूम कर पिज्जा वहाँ के मंत्री और विधायक लोग बेच रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं। और बाकी जो अफगान के ये दलालों के दलाल जो अफगान में फंस गए हैं, आज इनकी क्या दशा हो रही है? तो वही हाल ये अमेरिका का दलाल जो है ये सरकार जो है, आज की सरकार हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका के एकदम दलाल है, अमेरिका के कहने पर चल रही है ये। तो ये आप सोच लीजिए कि ये किसान आंदोलन है, ये जो है ये तो भागेंगे और अमेरिका में साइकिल पर पिज्जा बेचेंगे घूम घूम कर। इन दलालों का कहा क्या हाल होगा जो इस किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं कि ये दारू और मीट खा रहे हैं, ये ऐश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये समझे। और इस टीवी मैंने कहीं देखा, टीवी वाले भी बहुत दिखाते छापते अखबारों में ये चैनल वाले भी हैं। अरे भैया मैंने तो सुना, ठीक है ना, सोशल मीडिया में ही आप जांच कर लीजिए कि दिल्ली दंगा का जो है मुख्य मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा है। और आप ये बताइए जिसने मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, 4 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उसकी बहन ने शहजाद अली के साथ शादी कर ली। अब ये सही अकेला था लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है। बीजेपी के जितने बड़े बड़े जो है संघ परिवार के जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये हिंदुओं की हितैषी की बात खूब करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काते हैं और मुसलमानों को ही अपना बहनोई और दामाद बनाते हैं, क्या वजह है? अरे भैया तो फिर हिंदुओं का अपमान नहीं है ये? हिंदुओं का अपमान नहीं है? आज इनको लग रहा है कि अफगान में जो है तो लफजाद भी लेके आए हैं, फिर तो लफजाद वही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि ये बीजेपी वाले संघ वाले इस समय मीडिया वाले जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान को भूल गए। अमेरिका ने आकर कनैठी ऐठ दी, अब पाकिस्तान का राग नहीं अलाप रहे हैं, अब अफगानिस्तान कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं को बड़ा शोषण हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। भैया उसकी वो संस्कृति है, वो संस्कृति कह रहा है कि महिलाएं सर से पैर तक जो है पर्दा ढक कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि तालिबान का जो तरीका है शासन है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी अपने तरह से जीने का हक मिलना चाहिए। लेकिन आप जो बताइए ये मोदी सरकार, ये तो तालिबानियों की बाप है, आप ये बताइए कि इसने क्या किया? इसने कहा कि महिलाओं को लड़कियों को जींस पहनकर कॉलेज में नहीं आने देंगे। अरे भाई उसने तो कहा कि सर से पैर तक ढको, उसकी संस्कृति है, ठीक है ना? तुम ये स्वतंत्रता क्या जो है यहाँ के जो है लड़कियों और महिलाओं की स्वतंत्रता पर तो हमला किए हो कि नहीं किए हो? तुम ये बताओ कि तालिबान तो अपने विरोधियों को पकड़कर गोली मार देता है, 1-2 मिनट वो तकलीफ में जो है मर जाएगा। तुम यहाँ जो मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग किए हो, जहाँ घंटों उसको पीटते हुए दर्दनाक मौत दिए हो, ये बताओ कि तालिबान शासन से भी कड़ा शासन है कि नहीं है? तुम महिलाओं के बड़ी चिंतित हो, तालिबान में जो है महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा जहाँ जहाँ सरकार रहा है वहाँ वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, और बलात्कार नहीं है बच्चियों के साथ बलात्कार तो किया ही है, दर्दनाक मौत दे दिया है। इतना घटियापन ये सरकार और बीजेपी वाले इससे जुड़े हुए लोग किए हैं, और ये किया क्या है,
ये जो कहता है तिरंगा का सम्मान करो, इसके लोग बीजेपी के जो है और संघ के लोग, इसके विधायक और मंत्री वही तिरंगा झंडा लेकर बलात्कारियों के पक्ष में जो है ये निकाल रहे हैं रैली। ये तो ये इसका शासन तो तालिबान का ये बाप है, ये जो हिंदुस्तान में शासन चला रहा है, सीधी बात है। ये क्या बात करेगा, किसान इसके नौकर हैं, ये इसका मालिक है किसानों का, कि ये जो कहेगा वही खाएगा। अरे तुम का ऐतराज हो तो तुम दारू बंद करवाओ ना, तुम क्यों बेचवा रहे हो, तुम बेचवाओगे उसके बाद कहोगे कि किसान दारू पी रहे हैं, तो किसान की हालत तो वैसी कर दो, ले आओ दूध घी की नदियां ले आओ यहाँ पर लाओ। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।